What's up everyone? Welcome back to my new vlog. तो आप इस व्लॉग में देख ही सकते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं. हम जा रहे हैं आज नौगांव, जहाँ पे है महामृत्युंजय टेम्पल. महामृत्युंजय टेम्पल जो है मतलब इंडिया का ही नहीं, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा मतलब महाशिव बड़ा शिवलिंग है. तो हम आज वहाँ जा रहे हैं. तो अभी कुछ नहीं, बस रेडी हो चुका हूँ मैं. आज पहली बार जिंदगी में पहली बार मतलब फास्ट रेडी हुआ हूँ. तो अभी फ्रेंड्स का वेट कर रहा, मतलब फ्रेंड का जो मतलब फ़ोन करने वाले हैं, तो फ़ोन करते मैं चला जाऊँगा. नौगांव पहले भी गया था, लेकिन पहले ये मतलब बना नहीं था. और मैं हो सके तो मैं अलग अलग जगह पे जाने की भी कोशिश करूँगा. मैं पहले भी गया था उन सब जगहों पर. तो अगर टाइम हुआ तो मैं जाऊँगा, आपको भी लेके जाऊँगा. तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं. चलिए गाइस, सफ़र की शुरुआत करते हैं. मैं रास्ते में तो ब्लॉग नहीं बना पाऊंगा, तो बाहर जाके डायरेक्ट ब्लॉग बनाऊंगा. तो गाइस ये भी ब्लॉग बना रहे हैं ब्लॉगर्स. अभी नौगांव को मतलब जाने में 70 किलोमीटर है यहाँ से. 70 थोड़ा सा मतलब एक जगह पे रुकेंगे, कुछ खाएंगे, उसके बाद डायरेक्ट नौगांव शिव टेम्पल. अभी थोड़ा सा रुक रहे क्योंकि घर से मतलब कहीं पर भी नहीं रुके, डायरेक्ट यहाँ आके रुके हैं. क्योंकि मतलब इतना मुझे रुकना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इतना दूर जगह है. तो इसलिए मतलब थोड़ा सा जल्दी से जल्दी आ गए, ताकि थोड़ा सा अच्छे से मतलब दिखा सके आप लोगों को. इतना टाइम भी नहीं हुआ है, फिर भी कोई नहीं, इतना देर का, क्योंकि हमेशा मेरा लेट होता है. इस बार सोचा कि थोड़ा सा मतलब सब कुछ जल्दी से करूँ. तो चलिए गाइस, अभी वहाँ पर कुछ एक जगह पर रुकेंगे, वहाँ पर फिर डायरेक्ट मृत्युंजय टेम्पल. ये गाइस हम नेशनल हाईवे से गांव की रास्ते में आ गए. नेशनल हाईवे से तकरीबन मैं बोलूँगा कि 2 किलोमीटर ही है. रास्ता अच्छा है, बस थोड़ा सा बीच बीच में ख़राब है, लेकिन ये लोग मतलब रास्ता बना रहे. तो गाइस ये थोड़ा सा दिख रहा है. फाइनली हम लोग पहुँच गए महामृत्युंजय, दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग. फाइनली मतलब एक साल की बार ही बोल सकते हैं. इतने दिनों से मतलब यहाँ आना चाहता था मैं. फाइनली हमने सोचा था कि यार कहीं पे मतलब बीच पे रुकेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, कि कुछ खाने का मन था. लेकिन मैं मतलब इतना स्पीड से आ रहा था कि कहीं पे मतलब रुका ही नहीं पाया, इसलिए डायरेक्ट ही आ गए यहाँ से. तो गाइस हमने कुछ फूल और ये मतलब दिया लिया है, चारों तरफ रिनोवेट कर रहा है. अभी भी कम बहुत सारा बाकी है कमरे में. आप लोगों को अंदर तो मैं नहीं गया, लेकिन आप लोगों को बाहर से मैं सजेस्ट करूँगा कि एक साल या फिर अगले साल आप लोग आएंगे तो मतलब अच्छा सब कुछ दिखने को मिलेगा. अभी भी ऑब्वियसली शिवलिंग तो देखने लोग आते हैं, लेकिन मतलब चारों तरफ अगर सब कुछ हो गया तो ऑब्वियसली आपको देखने में अच्छा लगेगा. तो फिर मैं आपको बोलूँगा कि नेक्स्ट ईयर मतलब ऐसे ही जून जुलाई या फिर ऐसे महीने में आप लोग अगर आएंगे तो आपको सब कुछ मतलब अच्छे से दिखने को मिलेगा. अभी चलिए चलते हैं, आपको शिवलिंग के अंदर लेके चलते हैं. कृष्णा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मन भी अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है. और मैं आप सबको बता दूं, मेरे फ्रेंड का नाम है क्या, कृष्णा. देखिए कृष्णा आया है शिव मंदिर पे, कैसा मतलब वो है ना. बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. इतना बड़ा मंदिर आज तक मैंने नहीं देखा है. अच्छा अच्छा, जीवन में लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहे हैं. हेलो गाइस, पहले हम लोग कुछ दिया, हम लोग दिया लगाते हैं. दिया वाह, मतलब दूर से थोड़ा सा छोटा लग रहा था, पास से तो मतलब इतना बड़ा लग रहा है यार. आप लोग देख ही सकते हैं, मतलब ऊपर का कुछ दिख ही नहीं रहा है नीचे से. गाइस लोग अभी सब मंदिर के बाहर से निकल रहे हैं, क्योंकि मंदिर का द्वार मतलब दरवाज़ा 12:30 से मतलब 1:30 बजे तक मतलब 1 घंटे मतलब दरवाज़ा बंद रहता है मंदिर का. पता नहीं कुछ शायद कुछ पूजा का टाइम हुआ है शायद, इसीलिए हम लोग भी बाहर आ गए. आपको बाद में थोड़ा सा मतलब अच्छे से दिखाएंगे भीतर का, इसीलिए हम लोग 1 घंटा वेट करना पड़ेगा. अभी 1 घंटा चारों तरफ घुमा के आपको दिखाते हैं सब कुछ कैसा है कैसा नहीं है. ये है चारों तरफ का नज़ारा, मतलब 4 दरवाजे हैं.
चलो गाइस अभी गेट खोलने ही वाला है तो हम मंदिर के अंदर आपको दिखाते हैं। तो लॉक खुल गया, खुल गया, ये रहा खुल गया। तो फाइनली हमने भगवान का आशीर्वाद ले लिया है। अब अभी भी देख सकते हैं कि मतलब यहाँ थोड़ा सा काम करना बाकी है और आशीर्वाद लेने के बाद हमने यह प्रसाद भी ले लिया है। बस अभी थोड़ा सा मतलब यहाँ वहाँ घूमना है तो फिर चलिए चलते हैं। मंदिर के अंदर देख लिया है, काफ़ी बहुत अच्छा लगा मंदिर के अंदर, क्योंकि मैं शुरू से मतलब आना चाहता था, जब से मतलब मंदिर मतलब हुआ है, मतलब जब से मतलब मंदिर का वो क्या है, क्या बोलते हैं उसको, शुभारंभ किया है, तो तब से मतलब आना चाहता था, तो फाइनली आज आ गया। और यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मन को शांति मिल गया, क्योंकि इतने दिनों से आना चाहता था। तो आई होप मैंने आप सबको अच्छे से दिखा पाया हूँ, मतलब इतना ही था जितना मैंने दिखाया, क्योंकि चारों तरफ और अंदर का। तो गाइस इसी के साथ मैं ये महामृत्युंजय टेम्पल का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो मैं आप जब कंप्लीट हो जाएगा ये मतलब टेम्पल का काम, एक साल दो साल के बाद मैं फिर से वापस आऊँगा। तो आज के लिए मैं ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर जाते वक्त अगर किसी मतलब दूसरे जगह पे जाऊँगा तो मैं डेफिनेटली ये ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा, लेकिन नहीं तो ये ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ।